छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज भाजपा के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसमें उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मदद मिलने के आसार बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार और पद्मश्री से सम्मानित अनुज शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही पद्मश्री पंथी नर्तक डॉक्टर राधे श्याम बारले समेत कई समाज सेवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भाजपा में प्रवेश करने को लेकर VRS लेने वाले नीलकंठ टेकाम के नाम की भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल वे बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वरुण साव, प्रभारी ओम माथुर, पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नामी हस्तियों ने भाजपा में प्रवेश किया है। सरकार की कहीं ना कहीं कला जो है ना, एक राष्ट्रवाद से जुड़े है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी जन राष्ट्रवादी पार्टी जिन कर पर राष्ट्र प्रथम वाले बात होते, तो ऑब्वियस है कि आपके जो इमोशन होते वो आप ऐसे पार्टी के साथ जुड़ते, तो एकर कारण में भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका देखेंगे हम आपके, क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या सोचा मन में? जन पार्टी तय करी भाई, मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते, एक आम कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करे हूँ। पार्टी जो बात कही तेखर पर मैं काम करूँ। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ियावाद है, ऐसे में कलाकारों को जल्दी समझ में आ जाएगा, क्या जवाब देंगे? वो अलग बात कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ियावाद के कारण उनके तरफ जाएंगे। नहीं नहीं बात वो नहीं, बात ये है कि आपके विचारधारा कैसे है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले भी प्रचार करे हूँ, बहुत सारा चुनाव में काम करे हूँ, और मोर विचारधारा जो है कैसे पार्टी के साथ है जो राष्ट्र प्रथम के बात करते हैं, तो मोर पर सम्मान के बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के काम कार्यकर्ता के तौर पर ये पार्टी ला ज्वाइन करें। देखिए आज छत्तीसगढ़ के नामी लोग, आज पद्मश्री जिनको मिला है, छत्तीसगढ़ में जिनकी अपनी अलग पहचान है, अलग नाम है, समाज के पदाधिकारी और अनुभवी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे जो बड़े लोग हैं उनके पार्टी में शामिल होने से निश्चित रूप से पार्टी को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, और 2023 में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने में सफल हो सकेंगे। वहीं कई चर्चित चेहरों का बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा है। कहा है कि जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है वह पहले भी बीजेपी के लिए काम करते आए हैं, वह भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करते आए हैं, अब भाजपा में प्रवेश करके नौटंकी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भाजपा से प्रवेश करने से राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास में हमेशा पाए जाते थे। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं उसको वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से राजनीति की में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं, तो इससे कांग्रेस की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।